हाय गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट आर्टिकल 15, 16 एंड 17. आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आप इन बेसिस पे किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि तुम किसी शॉप में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, जैसे आपने पहले की मूवीज़ में देखा होगा. अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशेबल है बाय लॉ. तो ये चीज़ अगर कोई भी करे तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 15, कि इस काइंड का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा. इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कई जगह पे अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड 19(1)(g) में क्या कहा गया है कि वुमेन्स, चिल्ड्रेंस और कुछ लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बाय लॉ, कि उनको हम अपलिफ्ट कर सकें. अब आता है आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 क्या कहता है? कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. ऐसा नहीं है कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आप अपॉर्चुनिटी किसी से छीन रहे हैं. अगेन, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. देखिए, जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं दिए गए, इसलिए दिए गए कि बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट किया जाए, आगे लाया जाए किसी भी बेसिस पे. तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर में किनको? बैकवर्ड क्लासेस को, जिसमें आपके वुमेन्स, चिल्ड्रेंस इनको भी इंक्लूड किया जाता है. अब आता है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. देखिए, इंडिया में अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, तो उस चीज़ को ऑफेंस माना गया है और जो क्या है, पनिशेबल है बाय लॉ. अगर कोई ये चीज़ करता है, कोई किसी को कहीं आने जाने से रोकता है, एंटर करने से रोकता है या उसको अनटचेबल कंसिडर करता है, तो ये क्या होगा? पनिशेबल होगा बाय लॉ. आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. आपने कई बार देखा होगा कि इन किसी एक पर्सनालिटी को कहीं से टाइटल मिला और उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया. कई बार फॉरेन कंट्रीज़ इंस्पायर होकर लोगों को टाइटल देती है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप नहीं लेना है और आपको उन टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं करना है. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल मिला था जो उन्होंने नहीं लिया.